हेलो एंड वेलकम इस वीडियो में हम पोलिनोमल के एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर वन करेंगे डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमल हैज एक्स प्लस वन अफैक्टर और ये हमारे फोर पार्ट्स हैं तो वन बाय वन हम इन पार्ट्स को करते हैं वेल तो इस क्वेश्चन में और बेसिकली इस पूरी एक्सरसाइज में क्वेश्चन फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड हैं और फैक्टर थ्योरम क्या है वो आपको समझना जरूरी है तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम अकॉर्डिंग टू द फैक्टर थ्योरम अब क्या है फैक्टर थ्योरम देखो इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स तो क्या होगा पी ए जीरो होगा अगर x माइनस ए पी एक्स यानी पॉलिनोमियल का जो ये जैसे ये पी एक्स है एक पॉलिनोमियल या, या फिर ये अगर इसका फैक्टर है तो पी ए जीरो होगा अब ये हम यहां पे अप्लाई किस तरह से करेंगे देखो तो हम इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो लेते हैं तो यहां पे देखो लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ठीक है ना ये क्वेश्चन है अच्छा अब देखो फैक्टर की बात है ये, तो हम लिखेंगे टेकिंग x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो तो इससे क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा अंडरस्टैंड और अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इसमें तो यहां पे हम लिखेंगे p माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन क्यूब प्लस माइनस वन स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन तो ये हो जाएगा माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन तो ये वन से वन कैंसिल ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं और ये जीरो आ गया है तो सिंपली आप कहेंगे कि देआर फोर एक्स प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ अब यह या, या तो ये पूरा लिखो और यह केवल पी एक्स लिख दो ठीक है ना पी एक्स तो ये फैक्टर है अंडरस्टैंड तो देखो किस तरह से हमने किया है हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आपको ये लिखना है पहले कि अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम फिर आप ये लिखेंगे इस तरह से यहां तक और फिर इस तरह से करना शुरू करेंगे जैसे यहां पे किया है ओके अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट में हमारे पास ये है पॉलिनोमियल तो सेकंड पार्ट में इसको लिख देते हैं लेट पी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स पावर फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन फिर यहाँ पे सेम प्रोसेस करेंगे कि टेकिंग x प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो तो इससे क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस वन और अब हम पुट करेंगे तो p माइनस वन क्या हो जाएगा तो इसमें पुट करते हैं ठीक है ना तो ये हो जाएगा माइनस वन पावर फोर प्लस माइनस वन पावर थ्री प्लस माइनस वन स्क्वायर माइनस वन प्लस वन तो ये हो जाएगा वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन तो प्लस से वन से माइनस वन ये कैंसिल प्लस वन से माइनस वन ये कैंसिल और ये वन आ गया है तो ये ज़ीरो नहीं है तो सिंपली आप कहेंगे कि देयर फोर एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर नॉट अ फैक्टर ऑफ ये जो भी पॉलिनोम एक्स फोर प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन या फिर आप सीधे पी एक्स भी लिख सकते थे ठीक है और राइट अब हम करते हैं तीसरा पार्ट तो थर्ड पार्ट में हम बिल्कुल सिमिलर वे से करेंगे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम जो भी यहाँ पे लिखा है और उसके बाद देखो हम लिखेंगे कि लेट जो पी एक्स है क्या है हमारा पोलिनोमियल थर्ड पार्ट में ये है एक्स फोर प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, प्लस वन तो अगेन टेकिंग x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो क्यों x प्लस वन ज़ीरो क्योंकि यही तो हमें पता करना है कि ये फैक्टर है कि नहीं है ठीक है ना तो इसको ज़ीरो पुट करेंगे और इससे आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस वन फाइन तो यहाँ पे हम पुट करेंगे माइनस वन इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वन पावर फोर प्लस थ्री माइनस वन पावर थ्री प्लस थ्री माइनस वन पावर टू प्लस माइनस वन प्लस वन ओके इसमें हमने x के जगह पे माइनस वन पुट किया है ये वन हो जाएगा माइनस वन की पावर थ्री माइनस वन होता है ये प्लस वन आ जाएगा माइनस वन प्लस वन वन माइनस थ्री प्लस थ्री माइनस वन प्लस वन तो थ्री से थ्री कड़िया प्लस माइनस का ये वन से वन कड़िया प्लस माइनस का और ये वन आ गया तो ये ज़ीरो नहीं है अब बिकॉज ये जीरो नहीं है तो आप कहोगे कि देयर फॉर एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ जो भी हमने उसको पोलोनो लेट किया था ठीक है ना और राइट right. अब हम करेंगे इसका फाइनल पार्ट वेल well, अगेन तो सेम प्रोसेस हमें फॉलो करना है शुरू में ये लिखना है इस तरह से और उसके बाद ये जो फोर्थ पार्ट है हम लिख देंगे लेट पी एक्स इज इक्वल टू तो यहां पे है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर टू प्लस रूट टू एक्स प्लस रूट टू अब यहाँ पे अब अग, अग, अगेन हम क्या लिखेंगे टेकिंग एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो तो इससे एक्स आ जाएगा माइनस वन ओके जो हम अभी तक करते आए हैं प्रीवियस पार्ट्स में एक्स के जगह पे इसमें माइनस वन पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वन पावर थ्री माइनस वन स्क्वायर टू प्लस रूट टू इंटू माइनस वन और लास्ट में ये ठीक है ना माइनस वन का क्यूब माइनस वन होता है ये माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन तो ये माइनस वन ये आ जाएगा और ये माइनस वन का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वन आ जाएगा और ये हो जाएगा प्लस टू प्लस रूट टू ठीक है क्योंकि इस माइनस का इस माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस हो गया और ये रूट टू यहाँ पर है तो देखो ये माइनस टू से ये टू तो कट गया लेकिन ये आ गया है टू रूट टू तो अभी भी ये जीरो नहीं आया है और क्योंकि ये जीरो नहीं आया है तो हम कह सकते हैं देयर फोर एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स ओके तो आई होप ये आपको समझ आया होगा कैसे इस तरह इन क्वेश्चंस को किया जाता है कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए चैनल को सब्सक्राइब करें बाकी क्वेश्चंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें वहाँ आपको बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे टेक केयर